हेलो एवरीवन, आई एम मंसी दुधाकरा एंड ह्यूज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी होम्योपैथी। टुडे वी स्टडी ट्विन्स। व्हाट इज ट्विन प्रेगनेंसी, टाइप्स ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है। व्हाट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी? व्हेन मोर देन वन फीटस साइमल्टेनियसली डेवलप इन यूट्रस इट्स कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। जब साइमल्टेनियसली मतलब कि एक ही बार में एक से ज़्यादा फीटस डेवलप होना यूट्रस में, उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। ये ट्विन्स हो सकते हैं या थ्राइस हो सकते हैं, फाइव फीटस हो सकते हैं, फोर सिक्स, इस तरह के फीटर्स अकर्स हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे ट्विन्स के बारे में। टू फीटर्स या ट्विन्स, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ फीटर्स इन यूट्रस इज कॉमनेस्ट वेराइटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। एक ही बार में दो फीटर्स का यूट्रस में ग्रो होना, डेवलपमेंट होना, उसे ट्विन्स कहते हैं और ये मल्टी प्रेगनेंसी ही कही जा सकती है। फिर टाइप्स ऑफ ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स एंड मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो ये दोनों क्या है? तो व्हाट इज डाइजाइगोटिक ट्विन्स? तो कॉमनेस्ट 80% एंड रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा। ये 80% केस में डाइजाइगोटिक ट्विन्स ही देखने को मिलते हैं, 20% केस में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स देखने को मिलते हैं। और जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स है वो कैसे? तो कि उसमें दो अलग अलग जाइगोट है और दो अलग अलग ओवा डेवलप्ड होते हैं, दो अलग अलग ओवा फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। जहाँ पे मोनोजाइगोटिक में क्या है कि सिंगल जाइगोट फॉर्म होता है और उसमें दो ओवा फॉर्म होते हैं। तो जो ये सिंगल जाइगोट है उसकी वजह से सेम जीनोटाइप होगा दोनों बेबीज का, और एग्जैक्टली सेम लाइक एक दूसरे के एग्जैक्ट सिमिलर दिखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, जो सिंगल जाइगोट फॉर्म होगा उसके बाद जो सेल डिवीजन होगा और जो ट्विन फॉर्मेशन होगा उसमें एक सिंगल जाइगोट में दो ओवा फॉर्म। अब बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो प्रीवेलेंस ऑफ बायोनोक्युलर ट्विन्स इज रिलेटेड टू रेशियल, जो रेशियल फैक्टर है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो हायर इन नेग्रोस, नेग्रोस जो प्रजाति है उसमें हायर रेशियो में दिखने को मिलता है। फिर जो आफ्टर एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स की जो लेडीज होती है, एडवांस एज ऑफ मदर, उसमें दिखने को मिलेगा। फिर हेरिडिटरी ट्रांसमिट हो जो फीमेल में, उसमें भी ऐसा दिखने को मिलेगा। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ पेरिटी फ्रॉम फिफ्थ ग्रेविडा ऑनवर्ड्स, मतलब क्या कि फाइव बार चाइल्ड बर्थ कर चुकी है और उसके बाद ये ज़्यादा दिखने को मिलता है। फिर येट्रोजेनिक रीजंस, उसमें ड्रग फ्रॉम इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब कि पास्ट में एमेनोरिया जैसी कोई कंडीशन हो और उसने ड्रग्स उसके लिए ली हो, तो उस टाइम पे उसकी वजह से ये ट्विन्स इस तरह की मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर सुप्राफेक्यूटेशन और सुपरफेटेशन, ये दोनों देखेंगे। तो सुप्राफेक्यूटेशन मतलब कि क्या कि जो दो डिफरेंट ओवास है जो रिलीज्ड हुए फर्टिलाइज होके वो सेम साइकिल में, और जहाँ पे सुपरफेटेशन में क्या कि वो दोनों डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में और फर्टिलाइज हो गए। फिर बात करें फीटस कंप्रेसिस और पेप्रोसेसियस, मतलब कि क्या कि जो कोई दो फीटस है उसमें से कोई एक फीटस है वो डाई हो गया, तो उसकी वजह से जो फीटस है वो कैसा होगा, तो कि फ्लैट हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। फिर जो फीटस है वो एकार्डिकस, मतलब फीटस का जो हार्ट है उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यूनिओव्यूलर हो जाए, इस तरह का कुछ हो सकता है। फिर वानिशिंग ट्विन्स, मतलब कि सीरियल यूएसआई इन मल्टीपल प्रेगनेंसी सिंस अर्ली सप्रेशन हैज रिवील्ड ओकेशनल डेथ ऑफ वन फीटस, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विथ सर्वाइविंग वन। मतलब कि क्या कि जो दो फीटस है उसमें से कोई एक है वो डेथ हो गया और दूसरे को
उसकी जो प्रेगनेंसी है वो उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन हो और वो बेबी का कंटिन्यूएशन हो सर्वाइव करने के लिए, तो जो डेड हो गया हुआ जो फीटस है उसको वानिस करना पड़ता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फेटल। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन 3 स्टेज में देखेंगे, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ लेबर एंड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ परप्यूरियम। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में बात करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जो नोजिया और वोमिटिंग, ये तो हमें पता ही है कि नोजिया और वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरिंग, तो वो इंक्रीज हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ड्यू टू द एससीजी के वजह से, एससीजी का लेवल बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। फिर एनीमिया की बात करें तो इस टाइम पे कैसा कि आयरन और जो फोलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दोनों फिटस को चाहिए, तो उसकी वजह से डिफिशियंसी हो सकती है और मेगालोब्लास्टिक एनेमिया भी हो सकता है। फिर प्री एक्लेम्सिया भी कुछ केस में होगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाने की वजह से। फिर हाइड्रेमनियोस भी 10% केस में कॉमन है कि जहाँ पे जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसमें ही ज़्यादा तक ऐसा सारी कॉम्प्लिकेशंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा दिखने को मिलेगी और डाइजाइगोटिक ट्विंस के सामने। तो हाइड्रेमनियोस में कि वो जो मोनोसाइगोटिक ट्विंस जो है उसमें ज़्यादा कॉमन दिखने को मिलेगा। फिर एंटीपार्टम हेमरेज, तो ऐसा हेमरेज क्यों होगा, जो कि जो फीमेल है उसका जो यूट्रस है उसकी टोनिसिटी या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, और डायबिटीज मलाइटस हो अगर, तो जो बेबी है उस कंडीशन में बेबी बिग भी दिखने को मिलता है, तो इसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। फिर तो कि माल प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो यूट्रस में 2 बेबी ग्रो हो रहे हैं तो उसका जो प्रेजेंटेशन, मतलब ओवरऑल जो उसका सिचुएशन है वो सब अच्छी तरह से प्रॉपर ना हो, ये और ये सेकेंड बेबी के लिए ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर प्रीटर्म लेबर, तो प्रीटर्म लेबर 50% केस में दिखने को मिलता है कि जहाँ में फ्रिक्वेंटली अकर्स एंड मीन गेस्टेशनल पीरियड फॉर ट्विंस इन 37 वीक, कि इसमें क्या कि इंडक्शन ऑफ लेबर बहुत जल्दी हो जाता है ट्विंस में। और फिर मैकेनिकल डिस्ट्रेस, ये थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। अब बात करेंगे ड्यूरिंग लेबर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में, तो लेबर के टाइम में अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स से होगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा कि 2 बेबीज है उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाने की वजह से मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना या कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है। फिर प्रोलोंग्ड लेबर की जो उस मतलब क्या कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टेज का जो लेबर है वो कॉमनली 10 to 12 आवर्स में हो जाना चाहिए, लेकिन ये टाइम बढ़ के 80 आवर्स और उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे प्रोलोंग लेबर कहते हैं। तो इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ कुछ केसेस में दिखने को मिलता है। फिर ऑपरेटिव इंटरफियरेंस इंक्रीज हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होता है और पोस्टपार्टम हेमरेज होगा कुछ केस में। और ड्यूरिंग, अब बात करेंगे ड्यूरिंग परप्यूरियम क्या होता है, तो परप्यूरियम में क्या होता है, सब इन्वॉल्यूशन हो जाता है। ये कंडीशन है इन्वॉल्यूशन और सब इन्वॉल्यूशन। तो जो इन्वॉल्यूशन का मतलब कि जो यूट्रस है वो आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाए तो जो यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है, उसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन की वजह से कुछ ऐसा हो तो उसकी वजह से सब इन्वोल्यूशन, मतलब कि वो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ सकता, तो उसे परप्यूरियम कहते हैं। और इसमें इस टाइम पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और लैक्टेशन भी फेलियर हो सकता है। तो ये थे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं फेटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो फेटल कॉम्प्लिकेशंस में
सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ही कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस स्पेशली, फिर प्रीमेच्योर रेट 80% केस में ये प्रीमेच्योरिटी की वजह से होता है कि जिसमें अर्ली और प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से फिर डिसऑर्डर ट्विन ग्रोथ, डिसऑर्डरली ग्रोथ होता है ट्विंस का 20% केस में। फिर इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ वन फीटस, और जो दो फीटस है उसमें से कोई एक फीटस है उसका प्रॉपर ग्रो ना हो और उसकी वजह से उसका डेथ हो जाए, इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। और वो मोर इन मोनोसाइकोटिक वंस, मोनोसाइकोटिक ट्विंस में ज़्यादा दिखने को मिलेगा। फिर फीटल एनोमेलाइज, मतलब कि उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से फेटल एनोमेलाइज 2 या 4% केस में, और वो भी मोनोसाइकोटिक ट्विंस में दिखने को मिलेगी। फिर एक्सपेक्सिया एंड स्टील बर्थ, स्टील बर्थ मतलब कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो है उस टाइम पे बेबी का डेथ हो जाए, ये मोर कॉमन है। जो प्रीवेलेंस ऑफ प्री इक्लेम्शिया या माल प्रेजेंटेशन हो या प्लेसेंटल एब्रप्शन हो, या जो हमने आगे की जो ड्यूरिंग लेबर जो भी हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी, वो सब की वजह से इस तरह का कोई फेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये सब जो मोनोसाइकोटिक ट्विंस है उसमें ज़्यादा दिखने को मिलेगी। फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सोनोग्राफी एंड बायोकेमिकल टेस्ट, तो बायोकेमिकल टेस्ट में हमें SCG मेनली चेक कराना होता है, और उसकी वजह से हम ज़्यादा जान सके। फिर बात करेंगे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में, तो हाइड्रामनियस मतलब उसमें क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, फिर बिग बेबी हो और डायबिटीज मेलिटस या थायरॉयड इस तरह के कोई भी डिजीज की वजह से हो सकता है, फिर फिब्रोइड और ओवेरियन ट्यूमर विथ प्रेगनेंसी दिखने को मिलेगा, फिर एसाइड्स विथ प्रेगनेंसी। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले उसमें आया एंटेनेटल, इस एंटेनेटल केयर के बारे में मैंने प्रॉपर पूरा वीडियो बनाया है, और आपके वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में से आपको एंटेनेटल केयर की लिंक मिल जाएगी, वो भी आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो एंटेनेटल में क्या, तो कि सक्सेसफुली आउटकम ऑफ अ ट्वीन प्रेगनेंसी इज़ टू मेक अर्ली डायग्नोसिस। अगर सक्सेसफुल आउटकम चाहिए ट्विन का तो उसके लिए हमें अर्ली डायग्नोसिस पहले करना चाहिए। फिर एडवाइस इसमें कि हमें डायट्री सप्लीमेंट्स इंक्रीज कर देने चाहिए क्योंकि ट्विन्स है, उसकी वजह से फिर रेस्ट भी बढ़ना चाहिए। फिर सप्लीमेंटली जो थेरेपी देनी पड़े कि आयरन की हो या विटामिन्स की, कैल्शियम की, फोलिक एसिड की, तो वो हमें सप्लीमेंट्री देनी है। फिर इंटरवल ऑफ एंटेनेटल विजिट, थोड़े थोड़े टाइम पर एंटेनेटल विजिट हमें कर लेनी है, फ्रिक्वेंटली हो जाना चाहिए। फिर फेटल ग्रोथ असेसमेंट एवरी 2 या 3 वीक में, वो असेसमेंट भी फेटल ग्रोथ का करवा लेना है सोनोग्राफी थ्रू। फिर हॉस्पिटलाइजेशन, तो हॉस्पिटलाइजेशन में इलेक्टिव या इमरजेंसी, इलेक्टिव मतलब कि पेशेंट शुड बी एडमिटेड एट 13th वीक फॉर बेड रेस्ट, 13 वीक के बाद बेड रेस्ट ही करना है। फिर इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी अचानक आ गई तो उसके लिए पहले से हमें सब कुछ प्रिपेयर रखना है, कुछ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए हमें पहले से ही रेडी रहना है। फिर ड्यूरिंग लेबर, तो ड्यूरिंग लेबर रेस्ट लेस एनाल्जेसिक ड्रग लेनी है, कम बन सके उतना स्टॉप कर सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कभी लेनी पड़े ऐसा कुछ पेन या हो तो लेस लेनी है। फिर केयरफुल फेटल मॉनिटरिंग, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर इंट्रावेनस ड्रिप डेक्सट्रॉक्स 5% वो भी ले लेना है, कंडक्ट डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी एज यूजुअल। फिर आफ्टर फर्स्ट बेबी का बोर्न हो जाए उसके बाद जो कॉर्ड है वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन 2 क्लैनिप्स, और जो सेकेंड बेबी है वो बाहर आ सकता है, वो 2 तरह से 2 लाइन में आएगा बाहर, या तो ट्रांसवर्सल या लॉन्जिट्यूडिनल
लाई, और जो आएगा वो सिफेलिक या पोडेलिक होगा, फिर वो फेल्स हो जाएगा, फिर इंटरनल वर्जन अंडर जनरल एनेस्थेसिया देने को होगा, और फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये था ट्विंस, ट्विंस के टाइप्स, ट्विंस को किस तरह का मैनेजमेंट करना है और ट्विंस में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।